नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम स्टडी में। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके तहत सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाने वाली जीएस के टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। और उसी सीरीज में हम सबसे पहले ले रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1857 की क्रांति बताइए, एक तो कम्प्लीट क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा है 1857 की क्रांति के कारण बताइए, 1857 की क्रांति का स्वरूप और 1857 की क्रांति के परिणाम पूछे जा सकते हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो जब भी 1857 की क्रांति के कारण की बात आती है तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चीज़ आती है वो है एनफील्ड राइफल और चर्बी वाले कारतूस, और हम यहीं से अपना आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ये हमें सबसे बाद में लिखना है। ये पॉइंट हमें ये देखना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हो रही है और उसके कारणों की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो हम कारणों की शुरुआत देखेंगे तो हम 1857 की क्रांति के कारणों को 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व धार्मिक, आर्थिक, सैनिक और तात्कालिक कारण। राजनीतिक कारण में है वेलेजली की सहायक संधि, और उसी का एक बड़ा हुआ रूप नजर आता है डलहौजी की हड़प नीति में, जिसके तहत रियासतों को कंपनी ने अपने अधीन ले लिया। मुगल बादशाह की उपाधि छीनने का भी उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि अब कंपनी सुप्रीम हो चुकी थी और वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा भारतीय, अभी भी मुगल बादशाह को सुप्रीम मानते थे, वो नहीं चाहते थे किसी दूसरे को सुप्रीम माना जाए। तो मुगल बादशाह की उपाधि छीनने का भी प्रयास किया गया, जिसके तहत भारतीय मुस्लिम विशेष तौर पर अंग्रेजों से नाराज हुए। दूसरा कारण आता है प्रशासनिक। इसमें आता है नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सामंतों से और अभिजात वर्ग के लोगों से भी उनके विशेष अधिकार अब कम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे छीनना शुरू कर दिया। जैसे कि 1856 में अवध में एकमुश्त बंदोबस्त की शुरुआत की गई, इसके तहत जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली गई। अब जब 1857 क्रांति होती है तो यही जमींदार 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी करते हैं, तो आप ये कारण लिख सकते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक व धार्मिक। इसमें पहला है भारतीयों से नस्लीय भेदभाव, दूसरा है सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। हालांकि कई ऐसे रीति रिवाज थे जो भारतीय समाज के लिए भी अच्छे नहीं थे, जैसे कि सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, जो अंग्रेजों ने खत्म किए, लेकिन फिर भी इसको सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, और ये भी एक बड़ी वजह थी कि 1857 की क्रांति हुई। तीसरा है 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया। इसके तहत हुआ ये कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपना लेता है तो भी वो अपनी पैतृक संपत्ति पे अपना अधिकार बनाए रख सकता है, और इसकी खास वजह यही थी कि अंग्रेजों का जो प्रोपेगेंडा चलता था ईसाई धर्म को अपनाने के लिए, उसमें कोई कमी ना आए बल्कि उसको सशक्त करने की कोशिश थी। चौथा कारण है ईसाई मिशनरियों का बढ़ता हुआ प्रभाव। चौथा कारण है आर्थिक। भू राजस्व बहुत ज़्यादा था और वो भी नगद में लिया जाता था, इससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। दूसरा है कच्चे माल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, जिससे भारतीय कुटीर उद्योग पूर्णतः नष्ट हो गए। तीसरा है व्यापारिक नीति। भारतीय निर्यात पर तो टैक्स उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, क्योंकि भारत के अगर कोई व्यापारी अगर बाहर निर्यात करना चाहे तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि उसकी लागत मूल्य बढ़ जाए, और जो ब्रिटिश से जो आयात होता था तो वो अत्यधिक कम कर दिया गया। इससे हुआ ये कि भारतीय उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो गए और जो व्यापारिक वर्ग था वो भी अब क्रांति की ओर बढ़ गया। सैनिक कारण। सैनिक कारणों में भारतीय सैनिकों को समान पद व वेतन नहीं दिए जाते थे। भारतीय सैनिकों को एक निश्चित पद के बाद दिया ही नहीं जाता था पद, चाहे वो कितना ही सीनियर हो जाए। दूसरा ये कि 1854 में एक डाक अधिनियम लाया गया, जिसके तहत अब सैनिकों से भी जो डाक शुल्क था वो अब लिया जाने लगा, जो कि पहले निःशुल्क था, तो सैनिक भी इससे असंतुष्ट हुए। और एक मुख्य कारण ये था 1856 सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इसके तहत अब भारतीयों को कहीं भी नियुक्त किया जा सकता था, जबकि भारत में कलीवज्जे की अवधारणा चलती थी, जिसके तहत अगर कोई भी हिंदू अगर समुद्री यात्रा करता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस अधिनियम के तहत अब वो मजबूर थे समुद्री यात्रा करने के लिए, तो सैनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज हुए। अगला कारण है तात्कालिक कारण। इसके तहत एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, और इसके लिए एक विशेष प्रकार के कारतूस थे जिन पर चर्बी चढ़ी हुई थी। ये चर्बी गाय और सुअर के मांस की चर्बी हुआ करती थी, जिसको दांत से काट कर कारतूस को यूज किया जाता था। तो इसके खिलाफ सभी हिंदू और मुस्लिमों में विशेष रूप से आपत्ति हुई, और ये प्राथमिक कारण बना 1857 की क्रांति का। तो 1857 की क्रांति के आप लगभग सभी कारणों को यहाँ पर लिख सकते हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक, तात्कालिक कारण, और इससे आपका एक कंप्लीट फॉर्मेट तैयार होता है आंसर राइटिंग का। तो आप अपने आंसर को इस तरीके से लिखिए, आप हो सके
तो इसी फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें वीडियो को पॉज करके, तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम पहला टॉपिक कवर करते हैं 1857 की क्रांति के कारण। मैं इसी तरीके के वीडियो अपने चैनल पर लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि कोई नया वीडियो आए तो आप सबसे पहले उसको देख सकें। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है और हम इस तरीके के वीडियो बनाते जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक भी लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो मैं आपको टॉपिक कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।